उत्तराखंड में प्रकृति ने एक बार फिर से ये समझा दिया, ये जता दिया कि लगातार प्रकृति से खिलवाड़ कितना महंगा साबित हो सकता है और कैसे ये हालात को बद से बदतर बना सकता है। इस वक्त मैं जोशीमठ में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट है, उनके ज़िंदगी का संकट है, उनके ज़िंदगी की जमा पूंजी का संकट है। और देखिए, लगातार यहाँ जो ये इलाका है जोशीमठ का, जो होटल माउंट व्यू और मलारीन है, इनको लेकर सबसे पहले यहाँ पर प्रशासन ने चिन्हित किया है कि इनको यहाँ पर डेमोलिश किया जाएगा, इनको सबसे पहले गिराया जाएगा। लेकिन लोगों के विरोध के चलते अभी तक ये कार्रवाई नहीं हो पाई है। कल ये कार्रवाई होनी थी और आज एक बार फिर से प्रशासन की मीटिंग है यहाँ पर लोगों के प्रतिनिधियों से, जो ये बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या क्या मांगे हैं। क्योंकि दरअसल लोगों की डिमांड है यहाँ पर कि जो मुआवजा है वो केवल जो आपदा प्रबंधन नियम बना हुआ है उत्तराखंड का, उसके अनुसार दिया जा रहा है, जबकि इनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर लगी हुई है और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हालात लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। और देखिए, ऊपर होटल माउंट व्यू और उसके साथ में होटल मलारीन, इन दो इमारतों को ढहाया जाना है, जिसके चलते, क्योंकि ये दोनों इमारतें पूरी तरह से झुक चुकी हैं, नीचे दरारें बढ़ चुकी हैं। देखिए, नीचे के जो मकान हैं वहाँ पर भी किस तरीके से जो दरारें हैं वो चौड़ी होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और ये मकान भी आपको दिख रहा होगा सामने, जो है वो पूरी तरह से एक तरफ झुक गया है। और नीचे पूरी की पूरी, देखिए आप, ये कॉलोनी है जहाँ तमाम मकानों पर ये रिस्क आ गया है। क्योंकि जब ये इमारतें अगर क्योंकि जिस तरीके से मौसम ख़राब होने की भी चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, अगर मौसम ख़राब होता है और बारिश आती है तो बारिश से हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसीलिए प्रशासन जल्द से जल्द ये कार्रवाई करना चाहता है। तमाम मकानों पर इसी तरीके से लाल निशान देख रहे होंगे, किस तरीके से लाल निशान लगाए गए हैं। ये लाल निशान ये बता रहा है कि ये मकान खतरे की जद में है। और इन अब मकानों की संख्या, यहाँ भवनों की संख्या 723 पहुँच चुकी है। और अभी लगातार जो है वो सर्वे प्रशासन की टीम पूरे गांव में, पूरे जोशीमठ में लगातार कर रही है। और आसपास के जो, चाहे वो पहाड़ी के ऊपर के मकान हो चाहे नीचे के मकान हो, सभी में अमूमन ये हालत है। लेकिन हालात के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। जैसे यहाँ के लोग जो है वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, एनटीपीसी पर आरोप लगा रहे हैं कि जो पहाड़ों का अत्यधिक कटाव किया गया उसको उसके चलते परेशानी बढ़ी। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि जब यहाँ पर केवल 3 मंजिला बनाने की परमिशन थी तो कैसे 6-6 मंजिला इमारतें यहाँ पर खड़ी हो गई। और ये सबसे बड़ी तस्वीर है सामने, होटल माउंट व्यू और होटल मलारीन, क्योंकि ये दोनों ही इमारतें 5 से 6 मंजिले की हैं जो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ पर 3 मंजिला ही बनाने की इजाज़त है। और लेकिन सवाल तभी खड़े होते हैं जब इस तरह की कोई घटना होती है, उससे पहले ये सवाल क्यों नहीं खड़े हो, उससे पहले प्रशासन क्यों नहीं चेता, ये तमाम बातें हैं। फिलहाल प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो हालात ख़राब हुए उन्हें संभाल लिया जाए और हालात बेकाबू ना होने पाए। कैमरा अमित राय के साथ कमल कौशिक, न्यूज 24, जोशीमठ। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.